जी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय हाई निजान डेली रूटीन व्लॉग। जी सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। रमज़ान का पहला जुम्मा है तो सबको और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। और जुम्मे के दिन तो वैसे भी एक सूरत है, सूरतुल कहफ, वो इंसान को, मतलब हर इंसान को लाजमी पढ़नी चाहिए हर जुम्मे को, क्योंकि उसके काफ़ी फ़वाद हैं, काफ़ी उसका सवाब है। तो उस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें हर जुम्मे को। सारे बेशक पूरे जुम्मे को तो नहीं, हर हफ्ते में तो नहीं पढ़नी पड़ती पूरे हफ्ते में, लेकिन एक जुम्मे का दिन होता है तो उसमें हमें ये वाली सूरत का लाजमी, इस सूरत की लाजमी तलावत हमें करनी चाहिए। तो जी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और कपड़ा वगैरह आज मैंने उठते साथ ही समेट दिया था, क्योंकि जुम्मे तो फिर काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, कुरान मजीद पढ़ना होता है ये वो, तो इनका सबसे पहले कमरा समेटा जाए। तो इन्होंने तो समेटने देना नहीं है, ये ऐसे इनका गन पड़ा रहता है खिलौनों का, तो ये भी खेल रहे हैं और कह रहे हैं हमें भूख भी लगी है। तो पहले इनको करवा लेते नाश्ता, फिर हम इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाएंगे। तो साथ में मैंने लगी हुई है मशीन, क्योंकि अम्मी भी घर कोई नहीं है, तो फिर मेरे देवर है जेठ है, उनके भी कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह साथ धो दें। और ये एक बड़ा आसरा है कि शुक्र है जो मशीन है मेरी वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ही धुलता है इसमें सारा कुछ, मतलब कपड़े वगैरह खुद इसमें धुलते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना यूज़फुल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपकी, मतलब जैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने ज़्यादातर इस वजह से ली थी कि मेरे बच्चे थे छोटे, मेरे एक साल तकरीबन हो गए लिए हुए। क्या कर रहे हैं बेबी, आप क्यों आ गए हैं बाहर? तो ये फिर तब मैंने ली थी कि ये ज़ियान भी छोटा था काफ़ी, तो ज़्यादा तो हाथों पे तो कपड़े धुल नहीं सकते, ख़ास करके सर्दियों में सबसे ज़्यादा मांग को मसला होता है कि जो मोटे कपड़े होते हैं इस तरह वो हाथों में धो दो, तो मुझे दूसरा एलर्जी भी है, ये मेरे हाथों में नज़र आ रही होगी, मैं सरफ में ज़रा सा हाथ वगैरह वो करती हूँ तो मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, सरफ से मुझे एलर्जी है। और बर्तन धोने वाले साबुन से भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं मजबूरी है बर्तन धोना, तो चलो उसका तो कुछ नहीं हल हो सकता, लेकिन ये है कि मशीन का जो है ना काफ़ी सहारा है मुझे। तो इधर मैंने साथ लगी हुई है मशीन, तो इधर आज मौसम वे भी इससे ताला लगा हुआ है बाहर से उधर ताला, इसके बाबा लोग जब शॉप पर जाते हैं मैं सोई होती हूँ तो इस वजह से वो लॉक लगा जाते हैं बाहर से, क्यों घर में अकेली होती हूँ। तो जी मौसम कुछ आ जाता है, बाहर निकले तो गर्मी लगती है, और ये आसमान नहीं पता नहीं ये वाइट लाइन कैसे आई हुई है, हवा भी साथ चल रही है पर गर्मी है, मतलब ठंडी हवा नहीं है, और ये ऐसा कुछ इसका आसमान का सीन हुआ हुआ है। तो जी फिर इधर मशीन तो साथ है, खुद ये खुद ही धोती है, फिर जब बंद हो जाती है तो खुद ब खुद जो है ना आवाज़ देती है, जब इसका सारा काम हो जाता है तो ये बिल्कुल ड्राई करके कपड़े निकालती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे उन माओं के लिए, खातिन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये, यूज़फुल है। और सबसे पहले बना लेते हैं बच्चों के लिए नाश्ता, ताकि उनको नाश्ता वगैरह करवा के फिर उनको रेडी किया जाए। तो मिलते हैं हम आपको नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को। जी अभी बच्चे वगैरह नाश्ता कर चुके हैं और यहाँ पे अजानें भी हो रही हैं, तो किचन वगैरह भी आज मैंने साथ साथ बर्तन सुबह के भी और अभी के, मतलब सुबह के सहरी के बाद ही धो दिए थे, और अभी जो बच्चों ने नाश्ता किया वो भी धो दिए हैं, क्योंकि एकदम ही इकट्ठे हो जाते बर्तन। जी ये देखें मेरा नाम लेके बुला रही है, क्या मसला है जब करें मामा की तस्वीर दे दो मामा की। तो अभी हम पहले इनके निकाल लेते हैं कपड़े, इनका मुँह वगैरह धुला के इनके निकालते हैं कपड़े, तो फिर इनको तैयार करके तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, साथ इनको भी पढ़ाएंगे आज नमाज, ठीक है गंदी बात है बेटा। जो पहले इनके निकाल लेते हैं कपड़े, जुम्मा है तो ज़ियान के आज कमीज शलवार ज़ियान को पहनाते हैं, ये वाली ये ज़ियान को पहनाते हैं, और मिरहा को, मिरहा का फ्रॉक है वो कहाँ गया है उसका, मैं उसको बना लेते हैं आज बच्चों के, ये बड़कते हैं मिरहा के वाले, और ज़ियान के वाला सूट निकाल लिया है, तो पहले कर लेते हैं इस्त्री।
क्योंकि प्रेस करने वाले हैं ज़ियान के, तो फिर ठीक ही लग रहे हैं। पर मेरे हाथ के काफ़ी चूड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, क्योंकि डाम के रखे थे, वो हैंग किए हुए थे, तो इस वजह से अभी पहले इनके कपड़े इस्ती कर लेते हैं, तो फिर इनको तैयार करते हैं। जी भी बच्चे हो चुके हैं रेडी, और अभी इनके बाबा साहब भी तशरीफ़ ले आ चुके हैं, तो अभी हम पढ़ लेते हैं नमाज, तो फिर अब नमाज के बाद मिलते हैं हम आपको, फिर इफ्तार वगैरह की तैयारी करेंगे। जी अभी हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे, और साथ में हमने इफ्तारी की भी तैयारी शुरू कर दी है। मिर्हा के बाबा आ गए थे, तो उन्होंने भी साथ हेल्प वगैरह करवाई है, और अभी यहाँ पे हमारी चटनी भी तैयार है, दही भले भी तैयार है, उन्होंने होटल से तैयार करके लाए थे, और पकौड़ों का सामान भी तैयार है, तो बस अभी हम पकौड़े तैयार करते हैं, और फिर वहाँ पे फ्रूट चाट तैयार ही है, बस दही वगैरह डालना है उसमें क्रीम वगैरह मिक्स करके, तो बच्चे वगैरह लेने, बच्चे और उमर लेने गए हैं समोसे, क्योंकि वैसे भी चिकन समोसे यहाँ बाहर बहुत मज़े के बनाते हैं, तो हमने कहा चलो आज तो चाट भी है, तो चाट के साथ ज़्यादा मज़ा करता है समोसा, ये वाला जो चाट होता है बूंदी और इस वाला, इसके साथ बड़ा मज़ा आता है चटनी और समोसा ये खाते हुए। तो साथ में हमारा यहाँ पे दस्तरखान वगैरह भी लग चुका है, तो अभी हम इफ्तारी पकौड़े वगैरह बना के, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, और इफ्तारी को टाइम रह गया तकरीबन 15 मिनट, तो आज जल्दी हो गया क्योंकि उमर भी घर थे, तो उन्होंने हेल्प वगैरह करवा दी है, तो अभी हम ये प्लेटें थी कुछ पड़ोसियों ने कुछ कल इफ्तारी मुझे दी थी, तो मैं घर अकेली थी जिसकी वजह से मैं उनको वापस दे नहीं सकी जाके, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना उनको जाके उनकी प्लेटें वापस कराते हैं। तो ये अपना दस्तरखान लगा देते हैं, लगा हुआ है, बाकी पकौड़े वगैरह भी रख देते हैं। तो ये जी हमारा दस्तरखान तैयार हो चुका है, तो अभी मैं जाती हूँ, और बच्चे बाहर अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ और जाके ये सर्व कराती हूँ उनको, तो फिर हम मिलते हैं आपका इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह। जी इफ्तारी वगैरह हमने कर ली है, और नमाज वगैरह पढ़ के हो गए थे फ्री, तो यहाँ मेरे हाथ की नज़र पड़ गई थी मेरे बिस्किट्स पे, तो ये जी अभी बिस्किट खा रहे हैं दोनों, तो बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे करके रखे हैं यहाँ पे दोनों के लिए, और साथ में दाल वगैरह भी धोई है कि दाल चावल बनाएंगे, तो अभी हम मिलते हैं आपको दाल थोड़ी फ्राई करके और बर्तन धोने के बाद। तो जी यहाँ पे हमारे दाल रेडी हो चुकी है, और बहुत ही यम्मी दाल बनी है, और मुझे काली मसूर की दाल है भी बहुत पसंद, और यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं, तो हम खाएंगे, तो फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ देर के बाद। अब मोबाइल इस्तेमाल कर करके थके नहीं हैं आप, है ना? आज इस्तेमाल किया आधा घंटा जी, आधा घंटा अफ्तारी के बाद से आप मोबाइल में बैठे हुए, ये नहीं कि चलो किचन में थोड़ी देर जाऊं बात चात करूं या कुछ। अफ्तारी किसने बनाई है? ठीक है अफ्तारी में हेल्प की है, बट मैं उसके बाद से, मैं अफ्तारी के बाद बैठी तो नहीं हूँ ना मैं भी। आप सोई है पूरा दिन, मैं काम पे गया जी, सोई पूरा दिन वो रही हूँ, वो आपके बच्चे हूँ तो बंदा सोता है फिर। हाँ चले हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये जी अभी हमारा हो चुका है खाना तैयार, और हम खाना खाने लगे हैं अभी, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग पे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।